हेलो एवरीवन, नमस्ते। आई होप यू ऑल आर हेल्दी एंड सेफ। आज के वीडियो में मैं ग्रेड टू के बच्चों के लिए कुछ ईवीएस के वर्कशीट्स लेके आई हूँ। सो लेट्स स्टार्ट। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज मैच द फॉलोइंग। यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है, जैसे डॉक्टर, पोस्टमैन, रेडियो स्टेशन, स्कूल, वाटर ट्रांसपोर्ट, एयर ट्रांसपोर्ट, टेम्पल, और उसके रिलेटेड मैंने यहाँ पे कुछ वर्ड्स लिखे हैं व कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं जिसको हमें पढ़ के मैच करना है। लाइक डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या करते हैं? डील्स विद द पेशेंट, तो इसको हमें मैच करना है। जैसे पोस्टमैन, पोस्टमैन डिलीवर्स द लेटर। रेडियो स्टेशन, रिले मैसेज थ्रू एयर, तो इसको हमें मैच करना है। स्कूल, स्टूडेंट टीचर, स्कूल इज रिलेटेड टू स्टूडेंट एंड टीचर, तो इसको हमें मैच करना है। वाटर ट्रांसपोर्ट, इट इज रिलेटेड टू बोट एंड शिप, तो इसको हमें मैच करना है। जैसे एयर ट्रांसपोर्ट, दिस इज रिलेटेड टू रन्स इन द स्काई, एयर ट्रांसपोर्ट रन्स इन द स्काई, तो इसको हमें मैच करना है। जैसे टेम्पल, वर्शिप गॉड, तो ये रिलेटेड है, तो इसको हमें मैच करना है। तो ऐसे आप डिफरेंट डिफरेंट कुछ मैचिंग एक्टिविटीज या मैचिंग वर्कशीट बच्चों के लिए दे सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है मैच द फॉलोइंग अगेन। तो इसमें मैंने कुछ प्रोफेशन लिखा है और उनके रिलेटेड कुछ सिंबल्स मैंने ड्रॉ किया है, उसको आइडेंटिफाई करके मैच करना है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे डॉक्टर है, तो डॉक्टर ये जो प्लस का सिंबल है और ये जो स्टेथोस्कोप मैंने रखा है, ये डॉक्टर्स यूज करते हैं, तो इसको हमें ऐसे मैच करना है। जैसे फार्मर, फार्मर क्या करते हैं? ट्रीज या पेड़, आई मीन फार्मिंग करते हैं, तो इसको हमें मैच करना है। जैसे टीचर्स, टीचर्स स्टडी रिलेटेड है, तो यहाँ पे एक नोटबुक रखा है, तो इसको हमें मैच करना है। तो ऐसे कुछ मैचिंग के लिए आप दे सकते हैं बच्चों को पिक्चर्स ड्रॉ करके। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है फिल इन द ब्लैंक्स। तो यहाँ पे मैंने वेजिटेबल, एग्स, पपाया कुछ वर्ड्स लिखे हैं और यहाँ पे कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं। तो जो ब्लैंक्स यहाँ में, इसमें से वो वर्ड, सुइटेबल वर्ड उस सेंटेंसेस के लिए ढूंढना है और उसको हमें फिल करना है। जैसे प्लांट्स कैन ग्रो ऑन सॉयल, तो ये हो गया सॉयल। कैबेज इज ए, कैबेज इज ए वेजिटेबल, तो इसको हमें लिखना है वेजिटेबल। यहाँ पे है वेजिटेबल। फिर आते हैं द सन राइजेस इन द ईस्ट, तो इसको यहाँ पे हमें ईस्ट लिखना है। एयर इज नेसेसरी फॉर ब्रीदिंग, तो यहाँ पे लिखना है। स्टीम इज द डैश फॉर्म ऑफ वाटर, स्टीम इज द गैसियस फॉर्म ऑफ वाटर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, डैश कंटेन्स मेनी सीड्स, पपाया कंटेन्स मेनी सीड्स, तो यहाँ पे पपाया है, तो यहाँ में हम लिखना है। जैसे वी गेट डैश फ्रॉम द हेंस एंड डक्स, तो वी गेट एग फ्रॉम द एग्स फ्रॉम द हेंस एंड डक्स, यस एंड नो, तो इसको हमें फिल करना है। ऐसे कुछ रिलेटेड वर्ड्स है, ऐसे क्वेश्चन आंसर सब बच्चों को प्रैक्टिस के लिए दे सकते हैं। अभी आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है राइट द मिसिंग मंथ। तो जैसे बच्चों को मंथ के स्पेलिंग्स याद नहीं रहते हैं और उसके बाद कौन सा मंथ आएगा वो याद नहीं रहता है, तो ईवीएस में ये कराना जरूरी है। जैसे जनवरी हो गया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो मैंने ऐसे छोटे छोटे क्लाउड्स बनाए हैं, उसके अंदर लिखने के लिए दिया है। तो ऐसे आप इंटरेस्टिंग बना के बच्चों को दे सकते हैं। अभी आते हैं हमारे नेक्स्ट वर्कशीट पे, जो कि है लेबल द प्लांट्स। तो यहाँ पे मैंने एक प्लांट्स ड्रॉ किया है और उसका लेबल करने के लिए दिया है। जैसे ये हो गया फ्लावर, तो यहाँ पे लिखना है फ्लावर। ये हो गया लीफ, तो यहाँ पे लीफ लिखना है। ये रूट्स हो गए, ये स्टेम हो गए, तो ये फ्रूट्स ड्रॉ करके भी आप दे सकते हैं। तो इसमें जो पार्ट्स ऑफ द प्लांट है उसको हमें पहले प्लांट ड्रॉ करके और लेबल करने के लिए बच्चों को आप दे सकते हैं। हमारे नेक्स्ट वर्कशीट पे, जो कि है शॉर्ट द लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। तो यहाँ पे मैंने कुछ लिखा है वर्ड्स, जो लिविंग है हमें इस कॉलम में लिखना है और जो नॉन लिविंग है हमें यहाँ पे लिखना है। तो इसको हमें इंटरेस्टिंग बनाने के लिए मैंने दोनों कार्टून्स ड्रॉ किया है। जैसे कार है, तो कार नॉन लिविंग है, तो यहाँ पे लिखना है। बस नॉन लिविंग है, बैग नॉन लिविंग है, बी, बी लिविंग थिंग है, तो यहाँ पे हमें बी लिखना है। कैट, डॉग, ये लिविंग थिंग्स है, यहाँ पे लिखना है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करना है कि जो ब्रीथ कर सकते हैं, जो खाना खा सकते हैं, जो अपने आप मूवमेंट कर सकते हैं, वो लिविंग थिंग्स है, और जो नहीं कर सकते वो नॉन लिविंग है। तो ऐसे डिफ्रेंशिएट करके हमें लिखना है। सो आई होप आप लोगों को आज का ये ईवीएस वर्कशीट वीडियो पसंद आए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।